मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन पर पथराव किया गया। पथराव के दौरान मुख्यमंत्री रथ पर मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि वह पूरी तरह सुरक्षित हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पथराव करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे। रविवार रात को उनकी यह यात्रा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की विधानसभा चुरहट में पहुंची थी। इसी दौरान उनके रथ पर पथराव किया गया। इस दौरान रथ का शीशा टूट गया, लेकिन इस हमले में शिवराज सिंह बाल बाल बच गए हैं। पुलिस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ नारे लगाने और काला झंडा दिखाने वाले और पत्थर मारने के आरोप में करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना का जिक्र करते हुए अपने भाषण में इसे कांग्रेस की हिंसक राजनीति बताया है।